थोड़ी काम के थोड़े और बेहतर हो जाएंगे। सर हम आपसे भी पूछना चाहेंगे, जो आपने बात अभी की थी कि जो आगे प्राइवेट पब्लिक, सर हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि सर जब जगह नहीं मिलती तो बॉन्डेड कार्गो को सर पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और उसके बाद अगर जल्दी अदा करता हूँ। I cannot find another forum which can relate to my voice. इसमें थोड़ी तौर पे जो है लाहौर चंबर अफगानों से मैं पहले भी आया हूँ, मुझे आपकी अहमियत का इल्म है और यही अहमियत जो है उस चीज से जुड़ी हुई है जो डेवलप होने जा रही है। और इसमें एक दिखाने का बिल्डिंग का मकसद ये था कि रेलवे का नाम आते ही पुरानी और गिरने वाली बिल्डिंग का इमेज आता था अनलिमिटेड पीरियड के लिए, कोई इसमें ही भी नहीं है कि 99 ईयर अनलिमिटेड पीरियड के लिए, वो आपकी मर्जी है 20 साल के लिए रहते हैं कितने अरसे के लिए, लेकिन जमीन आप बेचेंगे नहीं, मतलब है कि उससे डिटेल डिजाइन करवा लें, उसमें हमारी कोई बॉन्डिंग नहीं है कि आप उसी से डिजाइन कराएं, ये जस्ट एक ठीक हो रही है। तो हमारे पास 8 डिपार्टमेंट और ऑफिस में जमशेद खान आर्किटेक्ट एंड एसोसिएट और 70 लोग बैठे, तो 5 आपके जरिए लेकिन सर एक सिंपली सी बात है कि स्टेक होल्डर्स को जब आप नहीं पूछेंगे कि स्टेक होल्डर्स की डिमांड क्या है, एक जिंदा मिसाल है लाहौर में गुज़िश्ता 25 साल से तो मैं इस कोशिश में हूँ कि आपका मुगलपुरा ड्राईपोर्ट जो कि रेलवे का ऑन रेलवे का अपना है, रेलवे ने एक नया ड्राईपोर्ट प्रेम नगर के नाम से प्राइवेट जो है प्रेम नगर उसमें सियासत की नजर करके उसको चलाने की कोशिश कर रहा है रेलवे। क्या अगर रेलवे अगर प्रॉफिट में जाना चाहता है तो अपनी ऑन की चीज जो है उनकी अपनी इस्तेमाल की जो अपने मालिक है उसको क्यों नहीं चलाना चाहता। दूसरा सर मैं एक आप चाहते हैं आपकी अपनी है सर मुगलपुरा 100% ऑन बाई रेलवे दिल्ली का नारा लाए लगा के आए हैं, मेरा ख्याल अगर थोड़ा सा चेंज उसी टेल है उनके उनमें तो आप देखें मुसाफिरों से तो आप पैसे ले ही नहीं सकते, उनको तो फैसिलिटेट कर सकते, उसकी जिंदा मिसाल हमारा नेबर भी है और हमारा मेरा ख्याल सबसे बड़ा कंपिटिटर भी है इंडिया, उसे हम मिसाल ले सकते कि वहां देखिए वो कार्गो से पैसे पूरे कर रहे हैं सर, कार्गो की कैपेसिटी बढ़ रही है, जो जो पिछले आपको सब पता है मिनिस्टर आए उनकी अपनी जो थी वो ट्रेड फॉरवर्डिंग कंपनी थी जिसको रेलवे जो नहीं वो उसको ऑन नहीं कर सर गुजारिश सुने हम क्यों ना मतलब कोई लाइन का जो प्रोजेक्ट है उनको दे दिए जाए और वो स्पीड अप हम जैसे बताया काम कर रहे हैं तो वो भी जी उसके लिए भी एक मेरी है आपको रिक्वेस्ट उस पर भी काम करने की जरूरत है। बाकी आपके सर ये जो सारी प्रेजेंटेशन है उसके लिए एक सेशन आप हमारे इधर रखते हैं जिसमें हम इन्वेस्टर्स को बुलाएं जो कि इंटरेस्टेड एक आप अपनी टीम इधर भिजवाएं फौरी तौर पे जो है उसी स्पेसिफिकेशन में डबल खर्चा नहीं हम इंशाल्लाह ताला फौरी तौर पे करेंगे कितने में करेंगे फिर सियासत हो जाएगी कुछ बना दिया यार जो कायदा जो कायदा ना मिले एंड में होगा माशाल्लाह।